गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल। टुडे डिस्कस चैप्टर टू फीलिंग्स एंड सेंस, क्लास फिफ्थ ईवीएस। फीलिंग्स एंड सेंस जो होती है, भावनाएं और जो होश होती हैं, बुद्धि होती हैं, विवेक्स होती हैं, इनके बारे में हमने पिछली वीडियोस में हमने बात की कि जो फीलिंग्स क्या होती हैं, जैसे महसूस करना होती हैं, कुछ भावनाओं को व्यक्त करना होती हैं। सेंस जो बुद्धि होती हैं, होश होती है, इनके बारे में हमने पिछली क्लासेस में हमने बात किए थे। जैसे यहाँ पर कुछ बच्ची के द्वारा कह रही है कि जब भी आप वीडियोस को देखेंगे, बुक्स को ओपन कीजिएगा, पैराग्राफ्स टू पैराग्राफ्स स्टडी कीजिए, जहाँ आपको समझने में दिक्कतें होती है मेरे को बताइए, मैं पुनः उस चैप्टर्स को आपको बताने की कोशिश करूँगा। ओके बेटा, यहाँ पर बच्ची के द्वारा कह रही है, बच्ची कह रही है कि माई ब्रदर रोहन एंड आई लव टू ईट हलवा बट ही लाइक इट विद द नट्स व्हील आई डोंट। यहाँ पर जो मेरे भाई जो रोहनस हैं, रोहन का मेरे को क्या है, बहुत ही अच्छा लगता है हलवा खाना, हलवा बहुत अच्छा लगता है, हलवा खाना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। इट विद नट्स व्हील आई डोंट, ही लाइक इन टू ईट भिंडी बट आई डोंट लाइक इट्स नॉट टेस्ट एट ऑल। मुझे क्या करना चाहिए, मुझे मतलब भिंडी खाना भी बहुत पसंद है बट उनके जो टेस्ट हैं, उनके जो टेस्ट हैं, उनके जो पसंद नहीं बोला गया है। वी हैव द सेम सेंस ऑर्गन्स बट वी हैव द डिफरेंट प्रिफरेंस। यहाँ पर कुछ सेंस ऑर्गन्स के बारे में मैंने बताया कि जो सेंस ऑर्गन्स के बारे में जो होते हैं, जैसे लाइक एंड डिसलाइक्स के बारे में मैंने डिस्कस किया था कि कुछ लाइक एंड डिसलाइक्स होती हैं एंड डिफरेंट लाइक्स होते हैं, डिसलाइक्स होती हैं, जो पसंद होती हैं। जैसे कोई दोस्त आपको पसंद कर रहा है, आपकी चीज़ों को पसंद करता है, तो कोई उनकी चीज़ों को पसंद ना पसंद होती है, इनके बारे में भी हमने बात की थी। जैसे फन टाइम्स में बात की थी कि फूड्स क्या होती हैं, फूड्स के बारे में बात किए, जैसे फूड्स होती हैं, लाइक होती हैं एंड डिसलाइक्स होती हैं। ओके बेटा, यहाँ पर यू एंड योर पार्टनर्स के बारे में बात हुई है कि यू और पार्टनर, जैसे फूड्स आपके जो आपको क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है, आपके पार्टनर को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है, जैसे ड्रेस होती है, गेम होती हैं, कलर होती हैं, टीवी प्रोग्राम होती हैं, कुछ सब्जेक्ट जो विषय होती हैं, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि उनको मेंशंस करना है, आपको लिखना है कौन सा लाइक है, कौन सा डिसलाइक्स है, आपके पार्टनर को क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है। ओके बेटा, मैंने ये चैप्टर्स कंप्लीट किए थे। कुछ फैमिलीज़ के बारे में बात किए थे, जैसे यहाँ पर बताया गया है कि जैसे कुछ ट्रेडिशंस होते हैं, संस्कार होते हैं, फैमिलीज होते हैं, ऑक्यूपेशंस होते हैं, मॉड होते हैं एंड थिंग्स अदर्स होते हैं, इनके बारे में हमने चर्चा किए थे। जैसे ऑक्यूपेशंस के बारे में स्टडी किए थे और फैमिलीज़ के बारे में भी स्टडी किए थे। जैसे फैमिलीज होती हैं, कोई फैमिलीज होती हैं, जैसे कोई फैमिली के संगीतकार जो होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं संगीतकार, उनको संगीत में रुचि होती है, इनके बारे में भी, संगीत के बारे में हमने बात किए थे। ओके, ट्रेडिशंस के बारे में बात किए थे। कुछ संस्कार होते हैं, जैसे कुछ वेजिटेरियंस होते हैं, लाइक होते हैं, संस्कार कैसे संस्कार होते हैं, मैंने आपको एक एग्जांपल्स बताया था। जैसे कोई एक फिशर्समैन होते हैं, फिशर्समैन यानी मछुआरा जो होते हैं, वह क्या करते हैं फिशर्समैन, उनकी घरों में बहुत सारे फिशेस होते हैं जो लाए रहते हैं, तो उनकी जो सेंट्स होते हैं, सेंट्स होते हैं जो फिशर्समैन के लोग जो होते हैं, पीपल्स होते हैं, उनको वह सेंट्स अच्छा लगता है। बट कोई फिश अगर नहीं खाता है, कोई नहीं, अगर उसको सेंट पसंद नहीं करता है, तो उनको क्या होती है, उनको अच्छी नहीं लगती है, उनके संस्कार अलग अलग होते हैं, यहाँ पे बताया था ट्रेडिशंस। ओके, और ऑक्यूपेशंस के बारे में बात की थी कि जो ऑक्यूपेशंस होते हैं एंड मॉड्स होते हैं, इनके बारे में भी हमने कुछ बात की थी। ओके, आज हम बात करेंगे, पेज नंबर देखिएगा, पेज नंबर 8 के बारे में बात करेंगे कि सेंसिंग थिंग्स, जो सेंसिंग थिंग्स होती हैं, सेंसिंग थिंग्स क्या होती हैं, सेंसिंग थिंग जो संवेदनापूर्ण बातें जो होती हैं। ओके, संवेदनापूर्ण बातें क्या होती है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ओके, नाउ स्टार्ट चिल्ड्रंस, देखिए कि सेंसिंग जो थिंग्स होती हैं, सेंसिंग थिंग्स क्या होती हैं, जो संवेदनपूर्ण बातें होती हैं क्या होती हैं। ओके, वी ऑल हैव फाइव सेंस ऑर्गन्स इन अवर बॉडी। ओके, जो हमारी सेंस ऑर्गन्स होती हैं, जो फाइव सेंस ऑर्गन्स होती हैं हमारी बॉडी में, दे परफॉर्म द सेम फंक्शन फॉर ऑल ऑफ अस।
हम सभी के शरीर में 5 इंद्रियाएं होती हैं, वे हम सभी के लिए समान कार्य करती हैं। समान कार्य कैसे करती हैं मैं बताना चाहूँगा। जैसे यहाँ पर बताया गया है द परफॉर्मेंस सेम फंक्शन, समान कार्य करती हैं। इट इज़ अवर ब्रेन दैट सेंस थिंग डिफरेंटली, हमारा दिमाग ही चीज़ों को अलग तरह से महसूस करता है। हमारा जो दिमाग होता है वह अलग तरीके से क्या करता है, महसूस करता है। वेन अवर सेंस ऑर्गन्स फील सम थिंग्स, वेन ऑर्गन वैन अवर सेंस ऑर्गन्स फील सम थिंग, जब हमारी इंद्रियाएं कुछ महसूस करती हैं। हमारी इंद्रियाएं कौन कौन से हैं, ईयर, नोज, आईज, हेयर, ईयर नोज आईज टंग एंड स्किन, ये जो 5 ऑर्गन्स हैं वो क्या करती हैं, महसूस करने का काम करती हैं, फील करने का काम करती हैं। द नेसेसरी नर्वस सेंड द मैसेज टू द ब्रेन, जब हमारी इंद्रियाएं कुछ महसूस करती हैं तो संवेदी तंत्रिकाएं मस्तिष्क को संदेश भेजती है। हमारे जो ब्रेन होती हैं उनको एक मस्तिष्क को मैसेज देती है, मैसेज सेंड करती है। जैसे कुछ कार्य करने से पहले हमारे दिमाग में वह कार्य चलता रहता है, तो वह क्या होती हैं, जो नर्वस सिस्टम्स होते हैं, संवेदनी क्रियाएं होती हैं, तंत्रिकाएं होती हैं, वह मैसेज करती हैं। ओके, यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है द ब्रेन, द ब्रेन रीड्स द मैसेज देन इट सेंड ए मैसेज थ्रॉट ऑफ द मोटर नर्वस सिस्टम्स नर्वस टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू एक्ट अकॉर्डिंगली। यहाँ पर क्या बात की गई है, जब हम हमारी जो मस्तिष्क में संदेश पढ़ता है, जब हमारी मस्तिष्क जो है संदेश को पढ़ता है, फिर वह मोटर तंत्रिकाओं के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में कार्य करने लगता है। जब हमारी जो ब्रेन है, मस्तिष्क जो होते हैं, वह पढ़ता है मैसेज को, तो सेंड जो मैसेज को पढ़ने के बाद क्या होती हैं, मोटर जो नर्वस सिस्टम्स होते हैं वह अलग अलग बॉडीज में पार्ट में काम करती है, अकॉर्डिंग टू काम करती है। कैसे काम करती है, इवन इवन ए बॉ इवन ए बेबी कैन सेंस हंगर्स एंड अ डिसकॉम्फर्ट, डिसकॉम्फर्ट यहाँ पर बताया गया है, इवन ए बेबी कैन सेंस हंगर एंड डिसकॉम्फर्ट इट क्राइज ऑफ द कम्युनिकेटेड इट्स फीलिंग्स। क्या बात की गई है, जैसे बात की गई है कि यह अपनी जो होती है, यहाँ तक कि भी एक बच्चा भी भूख और बेचैनी महसूस कर सकता है, जो बच्चा होता है, यहाँ तक कि क्या बताया गया है, इवन ए बेबी, यहाँ तक कि बच्चा भूख और बेचैनी महसूस कर सकता है। हंगर से होता है भूखा, डिसकॉम्फर्ट यानी बेचैनी महसूस कर सकता है सेंस ऑर्गन्स के बिना। ओके, कम्युनिटी इट इज़ द फीलिंग्स, यह अपनी भावनाओं को संप्रेषित करने के लिए रोता है। जैसे एक बच्चा को अगर भूख होता है, भूख लगता है, या फिर कुछ गलत, जैसे भूख लगता है तो बच्चा रोता है, अपनी बेचैनी को महसूस करता है, तो वह भावनाओं को व्यक्त करता है, संप्रेषित करने के लिए वह रोता है। द पर्सन हु लुक्स आफ्टर द बेबी कैन अंडरस्टैंड वॉट इट इज़ ट्राइंग टू द कम्युनिकेटेड, आमतौर पर माता पिता या बच्चे की देखभाल करने वाला व्यक्ति समझ सकता है। यहाँ पर बताया गया है जैसे बेबी अगर रोती है या फिर रोता है, तो वह मम्मी पापा ऐसे समझते हैं कि वह उनको भूख लगी होगी, जो पेरेंट्स दिए हुए हैं, यूजली जो पेरेंट्स बताया गया है, यूजली पेरेंट्स, देखिएगा बहुत अच्छी टॉपिक्स है, यूजली द पेरेंट्स ऑफ द पर्सन हु लुक्स आफ्टर द बेबी कैन अंडरस्टैंड वाट इट इज़ द ट्राइंग ऑफ द कम्युनिकेटेड्स। यहाँ पर बात की गई है कि जो जनरली माता पिता क्या होते हैं, माता पिता उनकी जो भावनाएं होती हैं, बच्चे की जो देखभाल करने वाला व्यक्ति समझ सकता है कि वह किस लिए रो रहा है ना, हंगरी के कारण रो रहा है, डिसकम्फर्टेबल के कारण रो रहा है। जैसे कोई अगर बच्चा शुशु करते हैं, है ना, तो डिसकम्फर्टेबल होती है, उनको महसूस हो जाता है कि गीला लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है वहाँ पर, तो रोने लगता है, या फिर भूख लगता है, उनको भोजन के लिए रोते हैं, दूध पीने के लिए रोते हैं, तो मम्मी पापा जो देखभाल करते हैं बच्चे का, वह समझ जाते हैं। यहाँ पर एक इमेज दिए हुए हैं, देखिएगा कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं, सेंस ऑर्गन्स दिए हुए हैं कि अवर स्किन टच ए ब्रॉन, है ना, एंड ब्रेन्स के बारे में बताया गया है। जैसे स्किन को हम टच करते हैं, तो यहाँ पर सेंसरी नर्वस सिस्टम्स जाते हैं, वह ब्रेन में जाता है, ब्रेन जो क्या करता है, वह रीड एंड मैसेज, ब्रेन क्या करता है, कोई भी मैसेज को वह रीड करता है, पढ़ता है, पढ़ने के बाद जो मोटर नर्वस सिस्टम्स रहते हैं वह बॉडी पार्ट्स में क्या करता है, वह फॉरवर्ड करता है, और वी मूव अवर फिंगर्स, अभी
उसके बाद वह बॉडीज में कार्य करने लगते हैं। ओके बेटा, तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं। देखिएगा फैक्ट ऑन्स में दिए हुए हैं, फैक्ट ऑन्स में क्या करना चाहिए कि इन पीपल हु वन सेंस ऑर्गन्स ऑर्गन और बॉडी पार्ट्स डज नॉट वर्क अनदर सेंस बॉडी पार्ट्स ऑफ द बिकम एक्स्ट्रा इफेशियंट। एक्स्ट्रा इफेशियंस की बात की गई है, जैसे फैक्ट ऑन्स में क्या दिए हैं, लोगों की एक इंद्रियाएं अंग या शरीर का अंग काम नहीं करता है, दूसरा इंद्रिय अंग या शरीर का अंग अतिरिक्त कुशल हो जाता है। ऐसे होते हैं कि कोई कोई बॉडी पार्ट्स काम नहीं करते हैं, नॉट वर्कर ना ही काम करते हैं, जैसे कुछ एक्स्ट्रा वर्क एफिशिएंस नहीं हो पाते हैं, काम नहीं करते हैं, उसको बारे में बताया गया है फैक्ट ऑन, जैसे कोई वर्क काम नहीं करते हैं। देखिएगा बहुत अच्छी टॉपिक्स के बारे में अभी हम बात करेंगे, जो कि फिजिकल चैलेंज पीपल्स होते हैं, जो एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जो कि उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वह बिल्कुल काम नहीं करता था। मानसिक रूप से जो विकलांग्स है, फिजिकल चैलेंज पीपल्स जो मानसिक रूप से विकलांग हैं, जैसे बात की गई है शारीरिक रूप से विकलांग्स बोल सकते हैं, जैसे क्या बताया गया है, देयर आर मनी पीपल अराउंड अस हुज सेंस ऑर्गन्स डू नॉट प्रॉपरली फंक्शन का बोल रहे हैं। यहाँ पर क्या बताया गया है, शारीरिक रूप से जो विकलांग होते हैं हमारे आसपास बहुत से लोग हैं, हमारे मनी पीपल्स हमारे जो अराउंड होते हैं हमारे आसपास बहुत से लोग हैं जिनकी इंद्रियाँ ठीक से काम नहीं करती है, जिनकी जो इंद्रियाएँ होती हैं ऑर्गन्स होते हैं वह ठीक से काम नहीं करती हैं, प्रॉपरली रूप से काम नहीं करती हैं, उनका फंक्शन प्रॉपरली रूप से काम नहीं करती हैं। ओके बेटा, दे मे बी ब्लाइंड डिफ, यहाँ पर बात की गई है जो ब्लाइंड्स होते हैं एंड डिफ ऑफ डम होते हैं, सम मे बी मेंटली चैलेंज और मे हैव द सम अदर फिजिकल डिसेबिलिटी। यहाँ पर बात की गई है कि जो जिनकी इंद्रियाँ ठीक से काम नहीं करती हैं, जिनकी इंद्रियाएँ ठीक से काम नहीं करती हैं, वे जैसे अंधे होते हैं, बहरे या गूंगे भी हो सकते हैं, अंधे भी हो सकते हैं, ब्लाइंड भी हो सकते हैं, डीप ऑफ डम गूंगे भी हो सकते हैं, और कुछ मेंटलिटी सम अदर जैसे गूंगा भी हो सकता है। सम मे ऑफ द मेंटलिटी चैलेंज ऑफ मनी हैव सम अदर फिजिकली, कुछ मानसिक रूप से क्या हो सकते हैं, विकलांग हो सकते हैं, या कुछ अन्य शारीरिक अक्षमताएं हो सकती है, कुछ अन्य शारीरिक फिजिकल डिसेबिलिटी मतलब कुछ शारीरिक अक्षमताएं हो सकती है। ओके, मैंने क्या बताया, जो शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं, शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, उनमें क्या होती है, उनके आसपास हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे जो जिनकी इंद्रियाएं काम नहीं करती हैं, वो प्रॉपरली रूप से काम नहीं करती हैं, बहुत सारे लोग हैं। जैसे ब्लाइंड जो अंधे होते हैं, गूंगे होते हैं, बहरे होते हैं बताया गया है, मेंटलिटी चैलेंज सम अदर फिजिकल स्टेबिलिटी, उनके कुछ ऐसे होते हैं जो कि प्रॉपरली क्या होती हैं, जिनकी इंद्रियाएं ठीक से काम नहीं करती हैं, वे अंधे बहरे गूंगे हो सकते हैं, कुछ मानसिक रूप से विकलांग हो सकते हैं, या फिर कुछ शारीरिक रूप से अक्षम हो सकते हैं बताया गया है। ओके बेटा, एनी प्रॉब्लम, सच पीपल आर स्पेशल्स एज दे नीड स्पेशल केयर एंड लॉस्ट ऑफ लव एंड अटेंशन बताया गया है। जैसे क्या बात की गई है कि ऐसे लोग विशेष होते हैं, ऐसे लोग क्या होते हैं, सच पीपल स्पेशल, ऐसे लोग विशेष होते हैं, कैसे विशेष होते हैं, क्योंकि उन्हें विशेष देखभाल और ढेर सारा प्यार और ध्यान देने की आवश्यकताएं होती हैं, उन्हें क्या है, नीड स्पेशल केयर करना उनका, लॉर्ड्स एंड लव एंड अटेंशन, यहाँ पर तीन चीज़ें बताई गई हैं जो कि उन्हें ढेर सारा प्यार ध्यान देने की आवश्यकताएँ और उन्हें विशेष देखभाल की आवश्यकताएँ होती हैं। ओके बेटा, यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ बताया, देखिए यहाँ पर ब्रेलली यहाँ पर बताया गया है, जो एक अंधे था, यहाँ पर बताया गया है ब्लाइंडनेस के बारे में, ब्रेल लिपि जो होते हैं, ब्रेल लिपि कैसे होती है, यहाँ पर बात की गई है कि ब्रेल जो होती हैं साइनस के बारे में बताया गया है, साइना नैबुअस अनिल इज ब्लाइंड ही कैन नॉट सी बट ही हैज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ टच एंड स्मेल के बारे में बताया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर जो ब्रेल लिपि होती हैं, जो देख नहीं सकते हैं,
है ना। अनिल अंधा है, अनिल जो है, अनिल क्या है, अनिल जो है वह ब्लाइंड है, अंधा है। ही कैन नॉट सी, वह देख नहीं सकता, वह देख नहीं सकता, लेकिन उसके पास स्पर्श और गंध की बहुत मजबूत भावनाएं हैं। उसके बाद वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस, टच, स्पर्श करने की और सूंघने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है, बोल रही हैं। ही कैन आइडेंटिफाई मोस्ट थिंग्स वैली फीलिंग्स एंड अ टचिंग थीम, ठीक है, वह ज़्यादातर चीज़ों को महसूस करने और छूने से पहचान सकता है। वह ज़्यादातर क्या कर सकता है, लोगों को आइडेंटिफाई, पहचान सकता है, एंड फीलिंग्स, छूने से, महसूस करने से और टच करने से वह पहचान सकता है। जैसे अनिल कैन नॉट रीड और राइट लाइक्स अस, अनिल कैन नॉट रीड राइट लाइक अस, ही यूजेस बुक्स रिटन इन द स्पेशल स्क्रिप्ट कॉल ब्रेल स्क्रिप्ट। ब्रेल स्क्रिप्ट जो होती हैं, ब्रेल स्क्रिप्ट्स क्या होती हैं मैं बताना चाहूँगा। अनिल पढ़ नहीं सकता, है ना, दूसरे की तरह लिख नहीं सकता, वह एक विशेष लिपि में लिखी हुई पुस्तकों को उपयोग कर सकता है। वह एक विशेष लिखी हुई, अनिल क्या होता है, पढ़ नहीं सकता है, लिख नहीं सकता है, लेकिन वह विशेष जो स्पेशल जो स्क्रिप्ट होते हैं, ब्रेल लिपि के जो स्क्रिप्ट होते हैं, वह पढ़ सकता है, उसको उपयोग कर सकता है, विशेष लिपि में लिखी हुई पुस्तकों का उपयोग कर सकता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, जैसे बताया गया है, मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। इट इज़ रिटन, जो इट इज़ राइटन ऑन द थिंग्स पेपर, इट इज़ राइटन ऑफ थिंग पेपर्स, मैकिंग्स, मार्किंग्स, सरो ऑफ राइस्ड डॉट्स विथ ए पॉइंट टूल्स, द बुक इज द रीड टच इन द रिलाइज डॉट्स विद द फिंगर्स, ऑल द लेटर्स ऑफ द ब्रेल आर मेड ऑफ द यूजिंग वन डॉट्स। यहाँ पर बात की गई है, यह एक नुकीले औजार से उभरे हुए बिंदुओं की तरह जो होते हैं, यह एक नुकीले औजार से होते हैं, जैसे बताया गया है, स्क्रिप्ट, स्पिरिट ऑफ द ब्रेल लिपि, जो एक रिटन लिखने का जो होता है, मैकिंग का निर्माण रो होते हैं, वह एक बिंदु होती हैं जो औजार की तरह बिंदुओं की एक पंक्तियों को चिन्हित करके मोटे कागज पर लिखा जाता है। याद दिखाया गया है, मेकिंग थिंग पेपर, थिंग जो पेपर होते हैं, मोटे कागज पर लिखा जाता है। उभरे हुए बिंदुओं को उंगलियों से छूकर किताब पढ़ी जाती है। रोज राइट द पॉइंट बिंदु, बुक्स रीड बाय द टचिंग राइज्ड एंड टॉल्स द फिंगर्स, हाथों की जो उंगलियों की सहायता से उभरे हुए जो बिंदुओं होते हैं उनको छूकर किताब पढ़ी जाती है ना, क्या करी जाती है, किताब पढ़ी जाती है। ऑल द लेटर्स ब्रेल ऑल द मैट यूजिंग 1 to 6 dot, 1 to 6 dot के बारे में बताया गया है, 1 to 6 dot जो एक से लेकर क्या होती हैं, एक सिक्स तक क्या होती हैं, एक डॉट्स जो होते हैं जैसे यूज़ करते हैं उनको, तो यह बताया गया है। दिस स्क्रिप्ट वॉज द इंडिविलेटेड बाई द लोइस ब्रेल हु हिमसेल्फ वॉज ब्लाइंड, ब्रेल लिपि कैन नाउ बी रिटन यूजिंग ऑफ द कंप्यूटर्स। यहाँ पर बात की गई है, देखिएगा, इस लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था, इस लिपि का जो आविष्कार है लुईस ब्रेल के द्वारा किया गया था, जो खुद हिमसेल्फ क्या है, ब्लाइंड है, अंधा है, ठीक है, जो स्वयं नेत्रहीन थे। ब्रेल अब कंप्यूटर का उपयोग कर सकता है, ब्रेल जो होती हैं अब कंप्यूटर का उपयोग कर सकता है, यूज़ कर सकते हैं, किसका, कंप्यूटर का बताया गया है। देखिए यहाँ पर डॉट डॉट्स दिए हुए हैं, है ना, डॉट डॉट्स दिए हुए हैं, ब्रेल लिपि जो अंधे होते हैं इस डॉट के माध्यम से पढ़ाई करते हैं, उनके लिए एक अलग से स्कूल्स रहती हैं, है ना, तो ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ते हैं। इस प्रकार मैंने आपको बताया कि जो ब्रेल लिपि होती हैं कैसे होती हैं, डॉट्स के माध्यम से, एक उभरे हुए नुकीले पत्थर के माध्यम से वो लोग स्टडी करते हैं। अब देखिएगा कुछ दिए हुए हैं, नीचे पैराग्राफ्स दिए हुए हैं, नीचे पैराग्राफ्स को ध्यानपूर्वक समझिएगा, जो नीचे पैराग्राफ्स दिए हुए हैं, इट इज़ अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प द फिजिकल चैलेंज पीपुल इन द वाट एवर वी कैन, ठीक है, हमारी जो जिम्मेदारी है ना, अक्षम लोगों की हर संभव मदद करना, यहाँ पर बताया गया है,
क्या बताया गया है, इट आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी हेल्प आउट द फिजिकल चैलेंज पीपुल वाट एवर वी कैन क्या बताया गया है कि शारीरिक रूप से अक्षम लोगों की हर संभव मदद करना क्या है, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है, किसको, फिजिकल जो चैलेंज होते हैं, पीपल्स होते हैं, वी कैन बी देयर फ्रेंड्स एंड शेयर आवर टाइम एंड थिंग्स विद देम। ठीक है, यहाँ पर बात की गई है कि वी कैन थिंक फ्रेंड्स ऑफ शेयर टाइम्स एंड थिंग्स विद देम, हम उनके दोस्त बन सकते हैं और उनके साथ अपना समय और चीज़ें साझा कर सकते हैं। हम उनके क्या बन सकते हैं, फ्रेंड्स बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं, फ्रेंड्स बन सकते हैं, उनके साथ अपना टाइम को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। वी शुड अवे इन क्रॉच देम टू एक्सेल इन लाइफ, एक्सेल इन लाइफ, हमें हमेशा उन्हें जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, उन्हें उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए हमेशा उनको क्या करनी चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसे एज पार्ट क्रिएटिंग ऑफ द इन्वायरमेंट्स दैट इन द सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ द डिफरेंटली एबल्ड एंड द फिजिकल चैलेंज द गवर्नमेंट्स हैज टेकन सर्टेन स्टेप। यहाँ पर कुछ स्टेप्स बताए गए हैं, देखिएगा क्या स्टेप्स बताए गए हैं, जैसे ताकि एक ऐसा वातावरण तैयार किया जा सके, ताकि एक ऐसा इन्वायरमेंट तैयार किया जा सके जो सेंसिटिव ऑफ नीड डिफरेंटली एबल्ड ऑफ फिजिकली चैलेंज, जो विकलांग और शारीरिक रूप से विकलांगों की जरूरत के प्रति संवेदनशील हो, क्या हो, फिजिकल चैलेंज हो, जो कि गवर्नमेंट्स हैड टेकन सर्टेन स्टेप्स, सरकार के कुछ कदम उठाए गए हैं, सरकार ने कुछ कदम उठाए गए हैं, कुछ स्टेप्स बताए गए हैं, जैसे फर्स्ट बताया गया है, जैसे फर्स्ट स्टेप क्या है, रेलवे स्टेशंस, बस स्टॉप्स, मेट्रो स्टेशन, शॉपिंग मॉल, स्कूल एंड कॉलेज हैव द रैंप फॉर द पीपल हु यूज द व्हील चेयर्स डू नॉट आर नॉट एबल टू क्लाइंब स्टेयर्स। यहाँ पर कहना क्या चाह रही है कि जैसे रेलवे स्टेशंस हो गए, बस स्टेशन हो गए, या फिर बस स्टॉप्स हो गए, मेट्रो स्टेशंस हो गए, समीप शॉपिंग जो मॉल्स होते हैं, स्कूल कॉलेज होते हैं, स्कूल कॉलेजों में ऐसे लोगों के लिए रैप है जो कि व्हील चेयर का उपयोग करते हैं या सीढ़ियों चढ़ने में सक्षम नहीं है, उनका क्या करनी चाहिए, आपको हेल्प करनी चाहिए। ओके बेटा, यहाँ पर बताया गया फर्स्ट पॉइंट्स भी क्या बताया, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, मेट्रो स्टेशन, शॉपिंग मॉल, स्कूल कॉलेज, रैंप एंड पीपल एंड यूज व्हील चेयर आर नॉट एबल टू क्लाइंब स्टेयर्स, क्या करनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, बताया गया है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स और बताए गए हैं, देखिएगा कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर इमेज के माध्यम से बताया गया है, देखिएगा इमेज के माध्यम से बताया गया है कि द DTC दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन हैज़ द इंट्रोड्यूस ऑफ द फ्लोर बसेस ऑफ द यूजली बोर्डिंग्स एंड द एलाइट्स ऑल बस ऑफ द सीट्स एंड द रिजर्व फॉर देम। कुछ पॉइंट्स क्या बताए गए हैं, जैसे आसानी से चढ़ने और उतरने के लिए जो फ्लोर बसेस शुरू की गई है, सभी बसों में उनके लिए सीट आरक्षित हैं। ओके, सभी बसों में सीट क्या होती हैं, आरक्षित रहती हैं, रिजर्व रहती हैं, बताया गया है। जैसे कोई विकलांग होते हैं या फिर कोई नहीं चल पाते हैं तो उनके लिए क्या होती हैं, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से क्या होती हैं, सीट रिजर्व होती हैं। सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट में बताया गया है कि देयर आर स्पेशल स्कूल्स वेयर द रिजर्व वोकेशन ट्रेनिंग, ऐसे विशेष स्कूल्स हैं जहाँ वे व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, विशेष ट्रेनिंग ले सकते हैं, विशेष वोकेशनल ट्रेनिंग ले सकते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट्स में बताया गया कि मनी ऑफिसर्स ऑफ द रेस्टोरेंट्स आर द एम्प्लॉइंग फिजिकल चैलेंज पीपल्स, फिजिकल चैलेंज पीपल्स के बारे में बताया गया है कि मनी ऑफिस एंड रेस्टोरेंट्स एंड एम्प्लॉइंग फिजिकल चैलेंज पीपल्स, कई कार्यालय और रेस्तरां जो होटल्स होते हैं शारीरिक रूप से विकलांग लोग को रोजगार दे रहा है, कई जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, ऑफिस होते हैं, एम्प्लॉय फिजिकल एम्प्लॉय चैलेंज ऑफ पीपल जो कि उनको जॉब देते हैं, बताया गया है। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ, लास्ट जो बताया गया है, लास्ट पॉइंट जो बताया गया है, सीट एंड रिजल्ट फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड एंड फिजिकली चैलेंज पीपल इन कॉलेज गवर्नमेंट्स ऑफिस ऑफ UPTC एग्जाम्स। जैसे कॉलेजों में दृष्टिबाधित और शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए सीट आरक्षित होती हैं,
कॉलेजों में हो गया, दृष्टिबाधित और शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के लिए सीटें जो है आरक्षित हैं, सरकारी कार्यालय और UPSC परीक्षाएँ जो होती हैं उनके लिए भी क्या होती हैं, पोस्ट जो होती हैं सीट रिजर्व्स रहती हैं। तो मैंने इस प्रकार कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बताया जो कि आपको भी हेल्पफुल करनी है। नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे सम स्पेशल पीपल्स के बारे में बात करेंगे, जो सम स्पेशल पीपल्स दिए हुए हैं, सम स्पेशल जो पीपल्स होते हैं कई, इनके बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे। कुछ सम स्पेशल पीपल्स होते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जैसे यहाँ पर हेलन किलर्स के बारे में बात की गई है जो कि बहुत ही स्टेफन हॉकिंस के बारे में बात की गई जो कि बहुत ही फेमस हैं, जो इनकी जो शारीरिक क्षमताएं थी सभी कार्य नहीं करती थी, इनके बारे में भी हम नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे। ओके बेटा।